इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपति और बिजनेस टाइकून रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टाटा को भारत का गौरवान्वित पुत्र बताते हुए हार्दिक संवेदना व्यक्त की। नेतन्याहू ने भारत इसराइल मित्रता के चैंपियन के रूप में टाटा की भूमिका को स्वीकार किया। पीएम नेतन्याहू ने अपने संबोधित एक संदेश में रतन टाटा के निधन पर अपनी सहानुभूति दिखाते हुए दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी से पीएम नेतन्याहू ने पत्र में रतन टाटा के साथ अपने व्यक्तिगत बंधन को उजागर करते हुए टाटा के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने का आग्रह किया। नेतन्याहू के साथ साथ इसराइल में कई लोग विश्व स्तर पर रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। 86 वर्षीय रतन टाटा का 9 अक्टूबर की देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ 10 अक्टूबर को मध्य मुंबई शमशान में किया गया।